वन्दे मातरम समस्त को प्रणाम। आज शुभ दिन रे प्रत्येक देशवासी को हृदय गभीरतम प्रदेश को प्रणाम, भगवान को कृतज्ञता। अगस्त पंदर यही महादिन दिन यही जो महान दिन दिवस टी तार तात्पर्य दुनिया गोटे प्रकार जानी आपण आउ गोटे प्रकार जानी आपण जानी आज हूँ श्री अरविंद जन्मदिन, किंतु दुनिया जानी भारत बा भारत बाहर लोक जानी आज हूँ भारत स्वाधीनता दिवस। दुईटा जाक सत्य दुईटा जाक सत्य, किंतु किए ताको केमिति नौचन किए उभय द्वारा नौचन। किछि दिन पूर्वरु आमे आलोचना करथिले स्पिरिचुअल फ्रीडम आध्यात्मिक स्वाधीनता, ताको पढ़ी सारा पर जो मैंने अटेंड करथिले बा पर समय ताको सुनि चलती सेहि को अपन जानि परथिबे स्वाधीनतार अर्थ कोन। मु साडु को जाऊ नाही, मु केवल आपन को आज अगस्त 15 एवं श्री अरविंद को ऊपर सामान्य किछि आलोचना करिया पे प्रचेष्टा करछि। अगस्त 15 जोदिन कि श्री अरविंद जन्मदिन आरंभ होता, चिंता कर देखु श्री अरविंद जन्मदिन 1872 मसीह अगस्त 15 तारीख में भारत स्वाधीनता पर्व आरंभ है। जो दिन आप स्वाधीनता पाइले से दिन हूँ 1947 मसीह अगस्त 15 तारीख। गोटे छोटिया कथा कही सारापर मुझ आलोचना भितर को जीवी। गोटे एक्जिबिशन होता है आश्रम, गोटे एक्जिबिशन हल अच्छे आप जानते एक्जिबिशन हल मैं बारंबार मझे हुए दर्शन टाइम मोस्टली सब यह हुए से गोटे एक्जिबिशन हल ने माँ जा एक्जिबिशन होती देखु थे हटात माँ गोटे जगह पाद स्थिर होगा। जो आश्रम आई मैंने सब थे साधक मैंने आसिक पहुँचे गोटे फटो पर दृष्टि पड़ा से गोटे कार्डटा थी ग्रीटिंग्स कार्ड गोटे कार्डटा बाहर कर दि कहीं कि पचारे नहीं बाहर कर दिजा कौन थी जो कि माँ कहते बाहर कर दि से कार्ड्रे लिखाही था शुभेच्छा बार्ता दिखाई भारत स्वाधीनता दिवस में श्री अरविंद जन्मदिन पड़ू शुभेच्छा माँ को चिंता हटे दि ये माने जो मैंने बुल्चन से किसी बुझी पार ना कौन तार तात्पर्य कौन माँ बुझे दौंती भारत स्वाधीनता दिवस में श्री अरविंद जन्मदिन पड़ा ना उल्टाटा होता श्री अरविंद जन्मदिन में भारत स्वाधीनता पड़ा तेणु ये कार्डटा चिंता कर देखु श्री अरविंद प्रभु कथा तो आपत आलोचना करेंगे से तो भिन्न भिन्न कथा जोबले माँ कहले आम तो फिजिकाली देखु फेब्रुआरी 21 अगस्त 15 को धरीचु किंतु माँ कौन कहले इन द बिगनिंग व्हेन एवर एंड व्हेयर एवर देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ कॉन्शियसनेस आई वाज देयर इन द बिगनिंग बिगनिंग मैंने आपको कहीपरें के आरंभ में किंवा कोई युग आरंभ भितर को जापर इन द बिगनिंग व्हेन एवर एंड व्हेयर एवर जितेबाला और जोटी देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार गोटे रश्मिर संभावना थिला मैनिफेस्ट कर सेतिक बेले मध्ये मु थिली प्रभु निजे लिखुचंती इनडायरेक्टली लिखुचंती ही वाज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड एमर्ज जेतेबेले अणु परमाणु रो मध्ये एमर्ज कर नथिले सृष्टि हेइ नथिला ता पूर्वर मध्ये सेइटि थिले तोर चिंता कर दियंतु प्रभु मानकर आ माकर स्थिति अवमान कालरु प्रवहमान धारा रे केबे टू कोउठ होइछि आपण कल्पना करि परिबे ने केते लक्ष वर्ष केते कोटि वर्ष कि केते वर्ष आपण कल्पना करि परिबे ने किंतु अंतत आम पालू आज खुशीवासी पालू प्रत्येक अनुष्ठान पालू पंडिचेरी में दर्शन दिन करुचु प्रत्येक अनुष्ठान पालन करुच्ची कौन ना अगस्त 15 को पालन करुच्चरविंद जन्मदिन पालुंट ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ्स ऑफ लाइफ ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन अज्ञाकर से कैलेंडर से पंजीकार गोटे दिन स्थिरीकृत हो रही तेनाली पारे ना यहाँ कहीं एमती है काकतालिकता मध्य नुहे आपन कहबे ना जे बाय चांस दीटा जाक कोइनसाइड करिचो बोलिकरि इट हैज बीन प्री डिसाइडेड प्री फिक्स्ड कारण प्रभु को जन्मदिन आसीछि अंततः फिजिकली जदि भी आपन ताको देखिबे जदि फिजिकली भी जदि बाहर स्थान कुआडे न जाय जदि देखिबे जो बाह्य जीवन बाह्य चेतना भितर आपन माने अंततः टिके टिके परिचित अछन्ति निश्चित भाबरे जानिथिबे श्री अरविंद को जन्मदिन आसीछि 1872 मसीहारु भारत स्वाधीन होइछि 1947 मसीहारु चिंता करि देखंतु श्री अरविंद जन्मदिन में भारत स्वाधीनता पड़ी ना भारत स्वाधीनता श्री अरविंद जन्मदिन पड़ी जाऊ यू आपंकर कि भाई सारे आम आगक जावा
दुईटा लाइन आपको कोट करदे सारापर मुझे आगे जी फ्रीडम समय जितेबाला आपड़ जो श्रीअरबिंद को पढ़ेवे अंतत पढ़ीवे से श्रीअरबिंद इंडियान फ्रीडम उपर गोटे लाइन कहते अंतत चिंता करूँ 1913 भारत मानने स्वाधीनता भारत जो स्वाधीन है तार 33-34 वर्ष पूर्व श्रीअरबिंद कहते हैं भारत स्वाधीन हो सारी मुझे देखी अन्वेषण मुझे कहीं तुम तुमने समय नष्ट कर तेनाली मुझे आसी मो सोल जो डिसन कर जो आसी जो पर्पस जो मिशन अभिजन आसी मुझे परिपूर्ति करने जाऊँ तेणु पंडिचेरी को चलीगले पंडिचेरी पर्व आम आलोचना करुँचे जानूंत केव अफ तपस्या मोर तपस्या ये हूँ एक गहर बोल कर कहते केव अफ तपस्या इंडियन फ्रीडम उपर श्रीअरबिंद गोटे मेसेज थी आपड़ी हूँ तो पढ़ी 12/1/1939 मसीह देखी थे इट विल नॉट कम बाय आर्म्स बट विदाउट आर्म्स गोटे मेसेज आप थे जो श्रीअरबिंद विभिन्न समय कोट कर इट विल नॉट कम बाय आर्म्स बट विदाउट आर्म्स अफकोर्स स्वाधीनता संग्राम पूर्व आपने जानते सन्सवाद आंदोलन ताको पढ़ी कि मेसेजा खाली पढ़ा देर इज ए प्रोफेसी अमंग द सन्यासीन एंड अल्सो लेले जो भारत बर्षर पूर्वर जो सन्यासी मैंने देखुं से ही सन्यासी मानी आपड़ी तर्जमा करेंगे विश्लेषण करेंगे देखिए सेखाही प्रोफेसी गणना पूर्व गणना अमंग द सन्यासीन एंड अल्सो लेले कहते हैं जो जो स्पिरिचुआल जो सब शिखुले अकल्टिजम एड सड़क लेले विषय आप जानते लेले कहते कौन कहते यूज टू टेल अस देर इज नो चान्स अफ फ्रीडम बाय फाइटिंग किसी वर्ष पर भारत जी रेवर्ड प्राइम मिनिस्टर कहले कौन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी युद्ध कह सॉल्यूशन नुहे कहीं क्या ये जो ये जो युद्ध में आम अच्छे कहीं क्या जीति पारे ना तेनालीराम जीति पार कहीं भितर को पशो कितु ईगो ताको छाड़े ना तेनालीरु से कहते देर इज नो चान्स अफ फ्रीडम बाय फाइटिंग ये लड़े कर कुस्ती कर स्वाधीनता पाइबार कौन संभावना ना जहाँ भी हो आम नेशनलिस्ट मूवमेंट देखी अहिंसा आंदोलन देखी हिंसार आंदोलन देखी तार परवर्त अवस्था को आसिक पहुँचुंत ये जावा पूर्व मुझे केवल गोटे जिनस आउ गोटे जिनस कहे हूँ तो आप आगे मुगुरु गत काली आपर बोध हुए होपफुली मुझे रिपीट करी से गोटे जिनस माँ कही श्रीअरबिंद जो इवल्यूशन आम पढ़ी गत काली आलोचना करते माँ को गोटे लाइन को मुझे कोट करने को चाहिए कौन कहले कौन कहते जो इवल्यूशन कथा आम तर्जमा करें गोटे लाइन थी ड्यूरींग द होल अफ हिज लाइफ अपन अर्थ होल अफ कहते कौन होल अफ हिज लाइफ अपन अर्थ ये पृथ्वी पर समग्र जीवन जीवन जात्रा आपने के आरंभ हो केवे सर कब से सुरु कब से खत्म कहाँ से सुरु कहाँ से खत्म कहीपर ना कि अंत ये जो आप फिजिकाली देखी 1872-1950 एक सब देखी माँ तक कहते श्रीअरबिंद गेव ऑल हिज टाइम टू एस्टाब्लिश कौन जो कौन कहे ड्यूरींग द होल अफ हिज लाइफ अपन अर्थ ये पृथ्वी में समग्र जीवन धारे पर्याय भितर कौन करते श्रीअरबिंद गेव ऑल हिज टाइम टू एस्टाब्लिश हिमसेल्फ इन हिमसेल्फ डिसकनसीयसने ये चेतनाटा को से प्रस्थापित करने स्थापन करने समग्र जीवन सारा से ये जिनस कर कौन करने टू हेल्प दोज गैदर्ड अराउंड हिम टू रियलाइज इट जो मैंने चारिपटे सन्निविष्ट होती सम्मिलित होती जो मैंने मिली से कौन करने आसिक पहुँचे ना से मुक्ति देवाई जमी अवहेलित पतित दलित स्खलित अवहेलित तेणु से कौन करेंगे ना मुक्ति देवाई चारिपटे जो मैंने अच्छा से मुक्ति देवाई ये स्वाधीनता संग्राम अच्छे मुझे आड़क आगे जाऊँ मुझे आसूँ एवं आसूँ कौटी ना 1947 मसीह अगस्ट 15 तारीख तार सामान्य टी पूर्व टी सामान्य पूर्व जदि तर्जमा कराए जेलर जो सी आर दास चित्तरंजन दास जुक्ति जनईवे जो प्रसिद्ध जुक्ति जो कि आपत केवल भारत में नुहे श्रीअरबिंद आप सारा पृथ्वी एवं सबु वर्गर मध्य अंत आप गर्व मन करती गर्वित हमें जे अंत आम जहाँ को प्रभु बोल कर कहते भितर सी आर दास वर्णना भी कौन कौन कल तक आपको थे पढ़ूँ आम भितर को जी लॉन्ग आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी इज ए हस्ट इन साइलेंस नीरवता भितर ये जो विराट कंट्रोवर्सी चली जितेबाला से निर्वापित होरव हो लॉन्ग आफ्टर दिस टर्मोइल जो झड़झंझा उठी जो सीता कौन कर सी सरीगलार अनेक दिन पर एजिटेशन विल हाव सीज्ड ये जो गंडगोल चलती एजिटेशन चलते बंद होपर कौन हम लॉन्ग आफ्टर ही इज ए डेड एंड गन
डेड एंड गन प्रभुंकर से सब जिनस ना कि सी आशा को कहते लंग आफ्टर हि इज डेड एंड गन जो फिजिकल डेथ कथा कहते जहाँ कि आप धरी जाइए 1950 मसीहा जो डिसेंबर 5 तारीख धरी लंग आफ्टर हि इज डेड एंड गन से अतिक्रम करगला हि विल बी लुकड अपन द अर्थ लुकड अपन से कौन कौ दृष्टि देखा जाए कौ लुचे देखा जाए अनेक मन करूँ अनेक संप्रदाय अच्छा ता देहरे गुरु अच्छी गुरुवाद अच्छा शिष्य मध्य अच्छा गुरु चलीगला अनेक जगह प्रार्थना विभिन्न प्रकार सत्संग होण कौन सब हो विभिन्न जगह अथटना होती होती जो श्री अरविंद को आपको देखुं से कौन से संप्रदाय मध्य सीमित नुहंती कौन कर हि विल बी नोन आज हि विल बी कॉल्ड लुकड अपन आज द पोएट ऑफ पैट्रियोटिज्म पोएट ऑफ पैट्रियोटिज्म देशात्मबोधर कवि प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म जातीयतार सी होती कौन त्रिकालादर्शी गणक एंड अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी सी होती कौन मानववाद सी होती प्रेमी यही भाव में जानवे आउ गोटे कौच तथापि लाइनटा बहुत भल लगे आउ थे मुझे लंग आफ्टर द कंट्रोवर्सी विल हैव हस्ट इन साइलेंस लंग आफ्टर द टर्मोइल द एजिटेशन विल हैव सीज्ड लंग आफ्टर ही इज डेड एंड द गन He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. तार परवर्ती अवस्था रे आउ गोटे मेसेज आपण को मन पकई दउ छी लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन पूर्वर जो मन पकेबार एही होची कारण सेतिरे मध्य सीआर दास चित्तरंजन दास बारिस्टर कोन करथले डेड एंड गॉन बोली यूज करथले सेकंड टाइम ताको यूज करूचंती लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन हिज वर्ड्स विल बी इकोड एंड री इकोड ध्वनित होता प्रतिध्वनित होटी नट ओनली इन इंडिया प्रथम आपच केवल भारत नुहे मुझ प्रथम जितने आरंभ करी आलोचना आरंभ करी विश्व कथा कही नट ओनली इन इंडिया बट अक्रस द डिस्टेंट सीज एंड लैंडस दूर सुदूर जो व्याप्त परिव्याप्त कौन होती सीज समुद्र और लैंडस अफ इंडिया कौन होती मैंने कौन तक ना प्रतिध्वनित होरफर आई से that this man in his position is not only standing before the bar of the court ei jo lok ko apana dekhuchanti je ki Sri Aurobindo taku jaha ko dekhuchanti se bi na kono janti ei jo taku position is not only standing kebala se jo high court ra bar bhitare court ra bar bhitare kiya hai nanti bar of this court kintu kouti kiya janti before the part of the bar of the high court of the history itihas ra jo high court uchcha nyayalaya achi tari samna re kiya janti long after he is dead and gone सेत आप कंप्लेन करना आहे ना जे आमर जो ठाकुर अन्न मैंने कहे जमी आम गोटे निरलावास में रहीकि कौन कर प्रभु को पूजा करा नही ना आगे आगे जाए जा जो आज जो दिन आप देखुं 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख जहाँ को अपेक्षा करने 300 वर्ष धरी ब्रिटिश शासन अराजकता जो चांचल्य जो प्रवंचना जो अत्याचार ताकर जो ठकामी सठता ताकर जो ठकामी ये सब भितर रही रही करे कौन कर दिले समस्ते प्रफुल्लित हो जाते हैं तेणु अंत यही एक सुवर्ण दिवस आसिक पहुँचला आपण मान जीवन में समस्त जीवन में जो दिन कौन कले ना से श्री अरविंद आसिक पहुँचुचान कौन से ही दिन जन्मदिन जन्मदिन में कोइनसाइड कला भारतर स्वाधीनता से ही दिन आसिक पहुँचला जहाँ को कहते द मेसेज ही गे फर दिस डे इज सो हार्ट स्टायरिंग हृदय को जमी कंपे दौला थरे दौला द मेसेज ही गेव ऑन दिस फॉर दिस डे यही जो दिन जो मेसेजा देमी हृदय को जमी थरे दौला कंपे दौला सो चार्ज्ड विथ वर्ड्स ऑफ डेस्टिनी निहतीर जो शब्दर जो प्रतिध्वनि होता तादेहर हृदयटा जमी कणौला ना जमी उत्पीड़ित कहते जमी हार्ट स्टायरिंग वर्ड्स यही जो दिन से जो मेसेज देते से ही मेसेज से हूँ कौन से कौ दिन दैट यू मस्ट निश्चित भाव में शुणा हो मेसेजा कहते अगस्ट 15 तारीख 1947 इज द बर्थडे ऑफ फ्री इंडिया बर्थडे ऑफ फ्री इंडिया मुक्त भारतर ये कौन होती ना स्वाधीनता दिवस जन्मदिन स्वाधीन भारत बर्थडे ऑफ फ्री इंडिया जहाँ कहते अगस्ट 15 आपण 78th बर्थडे का पालन करने को आज जाऊँच तेणु से हीदिन मेसेज दौरान इट मार्क्स फर द एंड ऑफ एन ओल्ड एरा ताको से डिफरेंशिएट करदे गोटे हूँ ओल्ड गोटे हूँ न्यू सी एमती कौटी जाए जमी कह बिफोर क्राइस्ट बीडी एंड एसी कहते आफ्टर डेथ एडी आउ तापर बिफोर क्राइस्ट बीसी
ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯେମିତି ଜିରୋ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଏମିତି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1947 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ସମୟଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ମାର୍କସ୍ ଫର୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଏରା। ଓଲ୍ଡ ଏରା କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ଚଉଦ ତାରିଖ ଯେଉଁ ରାତିରେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେ ପାଇଲା କି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଏରା ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖର ବର୍ଥଡେ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସୂଚିତ କରିଦେଉଛି, ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ। ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଏରା, ଓଲ୍ଡ ଏରାଟା ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଉଛି ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ନା, ହଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଗଲା ଓଲ୍ଡ ଏରା, ତା ପୂର୍ବ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍, ପୁରୁଣା ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ନବ ଯେଉଁ ସମୟ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବଟ୍ ୱି ଆର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ମେକ୍ ଇଟ୍ ବାଇ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଆର୍ଟ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଚାଲିଯାଉଛି, ନୂଆ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ କେବଳ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ହୋଇକରି ରହିନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ଯାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ, ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ମେକ୍ ଇଟ୍ ବାଇ ୟୁର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଫ୍ରି ନେସନ୍ର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍, ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ଓପନିଂ ଫର୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଥିଲା, ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସଂପୃକ୍ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମେକ୍ ଇଟ୍ ବାଇ ଆୱାର ଇନ୍ ବାଇ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରି ନେସନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଏମିତି ଏକ ଦିନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଦ ଏଜ୍, କ'ଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ବିଗିନିଂ, ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସାରା ପୃଥିବୀର, ଖାଲି ଭାରତର ନୁହେଁ, ଭାରତର ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଚଳାଇବୁ ଦେଶ ଆମରି ଆମରି ନାଁରେ ଆମେ ନାଉରି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକରି ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ଆମେ ଚଳାଇବୁ ଦେଶ ଆମରି ଭାରତ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଡମ୍ ହି ଆସ୍କ ବଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ବଣ୍ଡସ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ୱାଜ୍ ଆଭର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଡାଉନ୍। କାଲି ଅଛି 5:30 ବେଳେ ଗୋଟେ ଟକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇସାରିଲୁଣି କି, ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାତୃକୃପାରେ ଆପଣ ଯଦି ଟପି ଅଛି 5:30 ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ଖାଲି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୁଲେଇ ଧରିକିରି ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ବାଜା ବଜାଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହେଲେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତରେ, ଭାରତ ଲୋକ ତ ଗର୍ବିତ ହେବେ, କାରଣ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ, ଅନେକ କର୍ଷଣରୁ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସବୁଥିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗଟା ଏମିତି ଆମେ ସେମିତି ମାନିବା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଯୁଗ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍, ପୁରୁଣା ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ନୂଆ ଚାଲିଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଟ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏସବୁ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ବିଗିନିଂ, ନ୍ୟୁ ଓପନିଂ, ଗୋଟେ ନବ ଉନ୍ମିଳନ, ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇଆ, ପଲିଟିକାଲ୍, ସୋସିଆଲ୍, କଲଚରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଖାଲି ଖାଲି ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ସର୍କଲ୍ରେ ଆମେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲୁ, ବିଶ୍ୱର 4 ସିନ୍ ନେଇ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଜନୀତିରେ, ସୋସିଆଲ୍ ସାମାଜିକ ଭାବରେ, କଲଚରାଲ୍ ସଂସ୍କୃତିଗତ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ନେଚର୍ରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟିର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁଠୁ ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇଏ ନୂଆ ଯୁଗ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆସିଲା, ଯେମିତି ବିସି ଚାଲିଗଲା ଜିରୋରୁ ପୁଣି ଏଡି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ବିଫୋର୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଏକୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, 1947 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲିକରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ତା'ର, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମେସେଜ୍ଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ସେଦିନ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ମସିହାରେ କ'ଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 15th August ଇଜ୍ ମାଇ ଓନ୍ ବର୍ଥଡେ, 15th August ଇଜ୍ ମାଇ ଓନ୍ ବର୍ଥଡେ। ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ଯିଏ ଯେମିତି ପାଳୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଆଣ୍ଡ
इट इज नेचुरली ग्राटिफाइंग टू मी नेचुरली एटा होजे मते माने कहो जे कृतज्ञता रे भरी दोची होजे मो पई शुभ खबर एमिति का खबर ग्राटिफाइंग मोर फॉर मी दैट इट शुड हैव अज्यूम्ड दिस वास्ट सिग्निफिकेंस चिंता करी देखंतु केते केते इवन होचंती द ग्रेट आर माने जो माने सब से माने त जे कोचंती जे अपन कहतेनी माने ये जेतेबेले मां पेटरु जट नै गिरि आसी संढ जे से मां पेटरु जट नै गिरि आसी आपण मैंने देखिए जानते ये होंगे आम सीना चिंता करुँ एवं भी सुधा आम ठीक भाव में मास्क जीवन को चिन्ह पारिनाहूँ मुझ कौन आपड़ मैंने किए चिंतन मुझे कथ कौन अंत मो कथा कहूँ आम मुत तो कौन मास्क जीवरबिंद जो विराट जो मैग्नानिमिटी आपड़ जो कल्पना करेंगे जीवरबिंद किए माँ किए आपड़ चिंता करेंगे जो किए माँ बही भितर आप सीमित कर रखिपारे ना दैट इज द ट्रुथ ये हूँ जीवन सत्य कि आम से सत्यटा को स्वीकार करने आम तो बुझीनु स्वीकार करूँ कौन जाणी जो जानवाक प्रचेषा कर तेनाली तेणु आम समस्या हो तेणु बर्तमान कौन कहते ये दिनटा ग्राटिफाइंग टू मी दैट इट सुड हाव हापन्ड इन दिस भास्ट अज्यूम्ड सच भास्ट सिग्निफिकेंस ये विराट सिग्निफिकेंस नहीं आसी मोरी जन्मदिन में आसिक पहुंचुच्छे भारत स्वाधीनता नेचुरली कृतज्ञतार भरी जाऊँगी ग्राटिफाइंग कहते इंडीड ऑन दिस डे वास्तव में यही दिन में कौन हो आई कैन वाच ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड मूवमेंट्स व्हिच आई हैड होप्ड टू सी फुलफिल चिंता कर देखते भाग कौन कौन मुवल यही जो भारत स्वाधीनता आसी ना आईसीएस तो पाई था आईसीएस गोटे जगह कौन रही रही जाते बरदार तो भल चाकरी करते कम्फर्टेबली रही आराम से कि कहीं चिंता करूँ नेशनलिस्ट मूवमेंट पाक आसुँच जेल जो अवस्था पंडिचेरी जंत्रणा मुझे अनेक जिन आलोचना कर सारे भिन्न भिन्न पर्यायर आपने शुणुं कहीं सब जिन भावतु से केवल आपंपाई आसी आमपाई आमको उठे नापाई आसी निश्चित भाव आप जानते गत काली जो आलोचना करते से जो आलोचना कला भितर आपक जिनस आलोचना भितर आप शुणी जोटा कि आप देखी से जो वर्णना गुड़ाक कि वर्णना कौन से केमी कौन सब कर जो इवल्यूशन जो आम आलोचना करें सुंदर भाव में देखी तेणु से गोटे लाइन मुझक कोट करा चाहूँगी अंत आज जो मैंने नुआ जो थे हम कौन करने आसुँच मेन वर्क थी जोटा कौन ला टू ब्रिंग डाउन द ग्रेट पावर टू ट्रांसफर्म द न्यू अर्थली लाइफ गोटे विराट शक्ति को जो अतिमान शक्ति बोलकर कहते कौन करेंगे धरा पृष्ठ को अवतरण करवाक आसी से जो पृथ्वीटा कौन करा रूपातर कर ये पार्थिव जीवन को रूपातरित करदेव ये जंत्रणा को नब मृत्यु चली तेणु ये जिनस केवल आपण मानाई आम कई जन हाथ गुण जी आम बानर भितर बुलूँ चारिपटे बुलूँ पाठचक्र करगानाइजेसन करुँचाई नुहे समग्र विश्वपाई समग्र यूनिवर्सल मूवमेंट को आस कौन करते निज हाथ में जैसे चलाउते कौन करते एंड टू शो अदर्स द पाथ ऑफ दिस न्यू डिवाइन लाइफ खाली से आम खाली से लिखिदे जाइना से शक्ति को लेकर आसिले और समस्त को से कहीदले रास्ता कौन जो रास्त चलने को अपन दिस् न्यू वर्ल्ड तापर यही जो रास्ता इट इज दिस् पाथ यही जो जीवन माँ जहाँ बुझाऊँ से डाकुं निजर समस्ते आसबे नहीं समस्ते युद्ध में आसपरिवनी कारण अर्थ इज द हीरोइक अर्थ इज द चूजन प्लेस फर द हीरोइक सोल्स अर्थ इज द सॉरी भूल कौच अर्थ इज द हीरोइक सोल्स बैटल फिल्ड ओरिजिनल लोक के युद्ध क्षेत्र को जीवे ना जो मैंने युद्ध करेंगे हीरोइक सोल से मैं युद्ध क्षेत्र अर्थ इज द चूजन प्लेस फर द माइटीएस्ट सोल्स सबुठ शक्तिशाली जो मैंने आत्मा मैंने हूँ कौन ना चूजन प्लेस बछाई जगह तेणु भगवान आसुचंती शक्ति को आणुचंती निजुक आणिक बाट देखे दौंती निजर ब्रेव चिल्ड्रेन मैंने साहसी सतान मान डाकुंती कहीदे जाऊँगी ट्रुथ फाइनाल विक्ट्री जमा डरी जाओ ना सत्य निश्चित भाव में विजय हे ट्रुथ अफ द क्वेश्चन विक्ट्री अफ द ट्रुथ इज अल्टिमेटली सटन निश्चित सत्यर विजय निश्चित सुनिश्चित सन्देह करार किसी ना तापर मुझे जोटा श्रीअरविंद कहते कौन कहते निश्चित भाव खुशी खबर मु सारा पृथ्वी जहाँ चाहती बर्तमान कौन होना परिपूर्ण हाँपाई जाऊँच इट इज हापनिंग यही जिनस जो देखुचे निश्चित भाव में हाँपाई जाऊँच जीवन रोटे सत्य बोल कहते कौन कहले इंडीड ऑन दिस डे आई एम कौन कहते आई कैन वाच ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड मूवमेंट्स समग्र सचराचर जो विश्वर जो गतिधारा हुई चाहिए होप्ड फॉर फुल टू सी फुलफिल्ड इन माय लाइफ टाइम मोर जीवदशा भितर मुझे सब देखी अनुभव करके जी साकार करके जी बोल जो मुझे देखा इच्छा करी दो देन दे लुक्ड लाइक यू कौन चाहती इम्प्राक्टिकेबल ड्रीम से लगुला एमती जोटा कि ये गोटे स्वप्न भाया लगुला जोटा कि प्राक्टिकल भी संभव हम ना असंभव बोलकर प्रतीयमान होता जो लगुला आरइविंग एंड फ्रुटेसन बर्तमान फलवती होगी रहीगला भारत स्वाधीनता होगा मुझे देखुची और द वे टू अचिवमेंट
ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚିଭ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଆସିକରି ରାସ୍ତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇକରି ଆସିଛି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଇତିହାସର ଏକ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ କି ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିଛି ପୁରୁଣା ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ କ'ଣ କରିଛି ଆସିକରି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେ ଏ ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏ ଲିଡିଂ ପୋଜିସନ୍। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ ଭିଜନ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲି, ତାହା ତ ଫଳବତୀ ହେଇଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତିଧାରାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ, ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଯିବେ, ଭିଜିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ, ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ, ମୁକ୍ତ ଭାରତ, ମୁକ୍ତ ଭାରତର ସେ ତ ଅନେକ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ସେଇ 5:30-6:30 ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବେ, ଯଦି ମାତୃକୃପାରେ ଥିବେ ସେଇଠି ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେ ଏ ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟ। ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲୁ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ବାହା ହେଇଗଲୁ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ରହିଯିବି, ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ନେଉଛି, ଗ୍ରେଟର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ନେଇକରି ଆସୁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଏ ଲାର୍ଜର ପାର୍ଟ, ଲାର୍ଜ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଲିଡରସିପ୍ ଦେବ, ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଏ ଲିଡିଂ ପୋଜିସନ୍। ପଛପଟରେ ଥାଇକରି ଆପଣ ଗର୍ବ କରିବେ ନା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି କ'ଣ କଲି, ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, 5ଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା'ର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କ୍ଷଣିକ ଗୋଟେ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେବଳ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦେବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 5ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ଦେହରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ କହୁଥିଲି, ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏସିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ କରିଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ୱୁଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆସିବ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇଗଲା, ପାକିସ୍ତାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ମଏଲ୍ ଚାଲିଛି, ବେଗମ ଖଲିଦା ଜିଆଙ୍କୁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସିନା ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲଫାପାରେ ପାଇଲି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାରତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ୟୁନିଫିକେସନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫର୍, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ରିୟୁନାଇଟେଡ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ରିୟୁନାଇଟେଡ୍, ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସି ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 1913 ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଯାଇଛି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ ହେଲା ଅବଶ୍ୟ 47-34 ଗଡ଼ିଗଲା, ତା ଭିତରେ 33-34 ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ସେପଟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚାଇନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ତାଲିବାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି ସେଟା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର, ଏପଟରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଇନା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର, ତାକୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗିଲଗିଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟରେ, ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି କରାଚି, ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ମାନେ ଡରି ଡରିକରି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ବସିଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସି ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ସେଠି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମେ ବି ଫ୍ରି ବଟ୍ ନଟ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ୟୁନିଟି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇ ପାଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହାତରେ କହିବି, କ'ଣ ନଟ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ୟୁନିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ତତଃ ଫ୍ରି, ଆପଣ ତ ଯେଉଁଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଭର୍ବାଲି କହିଲେ, ସୁପରଫିସିଆଲି କହିଲେ, ଆଉଟୱାର୍ଡଲି କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଗଲା, ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି, 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1971 ବାଂଲାଦେଶ ହୋଇଗଲା, ତା ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ମଏଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜନ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ନୂଆ ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ହେବ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନଟ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ୟୁନିଟି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ୟୁନିଟି ଆସିନି, ଦ ୱାର୍ଲଡ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ୍ସ।
ओल्ड कम्युनल जो डिविजन थिला हिंदू मुस्लिम एक रही थिला आर नाउ टू बी टू हैव हार्डन्ड इनटू ए परमानेंट पॉलिटिकल डिविजन ऑफ द कंट्री ये जो भारत पाकिस्तान जोटा जो सब आसिक मोगल टाइम सब आसिक पहुंचे भारत पाकिस्तान कन्वर्सन करके ये होंगे हिंदू सी होंगे मुसलमान कितु एक माँ पेट्र संता लौ के दो धार लौ के दो रंग हो गले कन्वर्ट कर दिगला से मुसलमान हो गले आपंकर हिंदू होकर दुजों भितर पड़ा ना जो सब जिन करते जो डिजन कौन कौन ना जोटा ओल्ड कम्युनाल डिजन कम्युनाल जातिगत भाव कौन होता धर्मगत भाव जो हिंदू मुसलमान थिला वर्तमान एमती लगुच्छी टू हाव कौन होती हार्डन्ड इन टू ए परमानेंट पॉलिटिकल डिविजन ऑफ द कंट्री परमानेंट होगा डिविजन ऑफ द कंट्री गोटे पटे भारत होगा गोटे पटे पाकिस्तान होगा कारण आगुरु अलरेडी मुझे बांग्लादेश 1971 मसीहा पर जाकर एक्जिस्ट कला तेणु से दिभाग होगा कहते इफ इट लास सीरण कहते इफ इट लास इंडिया मे बी सीरीयसली वीकेंड जदि पुनर्बार से विक से जो यूनिटेड जदि अचीव न करती भारत जदि स्वाधीन कौन मिसी न जाती ताहले कौन हम ना जदि यही जदि दुटा डिविजन होकर जदि रहे ताहले कौन हवाक जाऊँगी कौन हाँपी जाऊँगी कौन इंडिया मे बी सीरीयसली विकेन भयंकर भाव में दुर्बल होन हम विकेन इवेन क्रिपल्ड तापर कहते सिविल स्ट्राइक मे ऑलवेज रिमेन पॉसिबल बर्तमान देखुं सन्त्रासवादी सेपट गुड़ चलाउं ये नहीं राफेल थोड़ी सीए से जे 20 सेपट नहीं एम सब जो चली बर्तमान बड़े चली प्रति मुहूर्त आसूसी सन्त्रासवाद आंदोलन आगुरु काश्मीर को अटाक करते बर्तमान आसी जम्मू में गंडोल करने आरंभ कले मैंने सब जिन आप देखुं प्रतिदिन आपर सैन्य वीर मैंने सौर्य सौर वीर मैंने सब चली जाऊँच तार सागर से कहते हैं कमाण्ड धरा पड़ते सब विभिन्न प्रकार होती जो जिनस को श्रीअरविंद चिंता करूँ 1947 मसीह अगस्ट 15 तारिखर पूर्व बसिकर कहते कौन कहते ये जिनस हूँ सिविल स्ट्राइफ मे कौन मे ऑलवेज रिमेन पॉसिबल सब जो सांघातिक भाव में सिविल स्ट्राइफ जो होती सब युद्ध चली थी गंडोल चली थी पॉसिबल इवन ए न्यू इनवेशन एंड फॉरेन कॉन्क्वेस्ट एमती संभव हो पाए न्यू इनवेशन अन्य मानकर गोटे बाह्य जाति आसिक कौन करना जमी भारत को सब विभिन्न बाहर आसिक बाहर समय आलेक्जेंडर ये सी सब देखी आम सब विभिन्न समय से कौन कर आसिक भारत को आक्रमण करपाई कौन फॉरेन इनवेशन आक्रमण एंड फॉरेन कॉन्क्वेस्ट से विजय अवाना देखार भूल न हो पाए इंडिया कौन इंडिया इंटरनाल डेवलपमेंट जो इंटरनाल मान अंतर जो डेवलपमेंट एंड कौन कौन प्रस्पेरिटी मस्ट बी इंपेडेड भारतर जो प्रगतिटा आउ गोटा हूँ कौन ना जो प्रस्पेरिटी सी कौन कर देखिए दिन कौन करना धूलिसात हम दिनुदिन कमार लगे हर डेस्टिनी इंपेयर्ड ता जो नियति अच्छी से जो कौन हो पॉलिटिकल गुरु ऑफ द वर्ल्ड भारत पृथ्वी को सी कौन कर दिग्दर्शन देखेब पॉलिटिकल गुरु हम सी कौन करना दिनुदिन से कौन कर इंपेयर्ड हवा आरंभ कर दिस मस्ट नॉट बी ये हवा उचित नुहे द पार्टीशन मस्ट गो ये जो पार्टीशन भारत पाकिस्तान जो दुटा जो अलग होती जावा उचित यूनिटी मस्ट एंड विल बी अचीव ये जो एकत्रीकरण मस्ट एंड विल बी निश्चित भाव में स्थापित हम फर इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रेटनेस ऑफ इंडियाज फ्यूचर कहीं दरकार हम आप भल पाँच हिंदू मुसलमान को भल पा मुसलमान हिंदी की भल हिंदू भल पा कि श्रीअरविंद कहते फर द प्रस्पेरिटी ऑफ इंडिया फर द ग्रेटनेस ऑफ इंडियाज फ्यूचर भारतर नियति तार नियतिर महानुभवता महानतापी दुईटा जाक देश मिलजाटार निहाती दरकार अच्छी आवश्यक अच्छी तार परवर्त अवस्था अन्य जो चारिटा यहीटा भारत सहित रिलेटेड आम 15 अगस्त कथा चिंता करुचु तेणु ता सहित रिलेटेड बोलिक मुझे प्रथम स्वप्न को आपको बुझेली द्वितीय स्वप्न आप जानते कौन जाक जानते मुझे खाली खाली कहीदे रिसर्जेन्स एंड लोक कौन होती लिबरेसन अफ द पीपुल अफ एसिया रिसर्जेन्स अभ्युत्थान आ सेकेंड हूँ लिबरेसन अफ द पीपुल अफ एसिया मुक्ति मैं भितर को डिटेल जाऊना थार्डटा हूँ कौन कहते थार्डटा जोटा हो फेयरर ब्राइटर एंड नोबलर लाइफ ऑल ऑफ फॉर मैनकाइंड ये गोटा नुआ प्रकार जीवन आसिकर केमी याब से कथा कहते ए न्यू कौन होती न्यू स्पिरिट अफ कन्सीयसनेस आसिकर जन्म हम आरंभ कर गोटे ह्यूमान रेस चतुर्थी कहते स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड हाज ऑलरेडी बिगन भारत पॉलिटिकल गुरु हम एवं ये जो गिफ्ट पृथ्वी को ये कौन कहते दबा आरंभ कला पंचम स्वप्न जो आप देखुले कौन हम ना कहते हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस
କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଇସାରିଲେଣି, କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିନସାରା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଟିକିଏ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଶେଷ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ରେଜିଂ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ମାଇ ୱାର୍ଡ, ମୁଁ ଏହାକୁ କରୁଛି, ତତେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି, ତୁ ସେ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତ ଜେଲ୍କୁ ଅଣା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସି ସେ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଭଏସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ରେଜିଂ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନେସନ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ମାଇ ୱାର୍ଡ, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ରାଇଜ୍, ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରିବ ନା ଆଗକୁ ଆରାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଇ ଆମ୍ ଗିଭିଂ ଦେମ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫର୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏହି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଫର୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ବିଶ୍ୱର ସେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନ କି ଆପଣ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇକରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଏମ୍ବଡ଼ିମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଥ୍ ସୋଇ ସୋଇଂ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ବିଦାୟ।